सांसद रवि किशन ने संसद में उठाया कोल डिजिटाइजेशन का मुद्दा, सरकार से कोल इंडिया की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए जानकारी। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल से बढ़ी है पूर्वोत्तर रेलवे के कार्य करने की क्षमता, बढ़ रही है ट्रेनों की स्पीड, पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। जनपद में अभी 2 दिनों तक रहेगा ठंड भरा मौसम, कुछ जगहों पर होगी छुटपुट वर्षा, सड़कों पर रहेगा कोहरा, हेडलाइट जलाकर चलाएं वाहन, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बढ़ी है मैन्युफैक्चरिंग, भारत 4 ट्रिलियन इकोनॉमिक की तरफ है अग्रसर, भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित महंत दिग्विजयनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल एवं महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता के तहत MP इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर खेला गया मैच, 8 दिसंबर को होगा समापन, 10 दिसंबर को होगा पुरस्कार वितरण। गोरखपुर के कोतवाली पुलिस को अहम कामयाबी लगी हाथ, पुलिस टीम ने शातिर वाहन चोर शिवम मौर्या को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार किए गए शातिर चोर के पास से 5 चोरी की स्कूटी की गई बरामद, भेजा जेल। पति पत्नी के बीच रिश्तों की कड़वाहट को दूर करने के लिए चलाए जा रहे परिवार परामर्श केंद्र का पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने किया औचक निरीक्षण, केंद्र पर आए हुए दंपतियों की काउंसलिंग की ली जानकारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बेलीपार थाना क्षेत्र के सिवई चौराहे पर सड़क के किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से गिट्टी लदी ट्रेलर गाड़ी से मार दी टक्कर, ट्रैक्टर ट्राली के उड़ गए परखच्चे। गोरखपुर में गुरुवार सुबह रिमझिम बारिश से अचानक बदल गया मौसम, यहां तेज रिमझिम बारिश होने से ठंड का होने लगा एहसास, मौसम विभाग ने 11 दिसंबर से मौसम में व्यापक बदलाव की जताई संभावना। नाबालिग ई रिक्शा चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस व परिवहन विभाग ने चलाया अभियान, सैकड़ों ई रिक्शा चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत की गई कार्रवाई।